संसार में रहते हो वह संसार में हम दो तरह से जीवन जी सकते हैं, या तो हम समस्या प्रेमी बन सकते हैं या तो हम समाधान प्रेमी बन सकते हैं। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है। जब उत्तराध्यन सूत्र की बात चल रही है, जब परमात्मा महावीर के सूत्र पर हम गौर कर रहे हैं, जब परमात्मा महावीर की बातें हमारी आंखों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें समझना होगा कि संसार में हमारी कैटेगरी कौन सी, एक होते हैं समस्या प्रेमी और एक होते हैं समाधान प्रेमी। और प्रायः प्रायः जीवों को जब संसार में देखते तो लगता है वो समस्या प्रेमी, वो समस्या ही खड़ी करते और कुछ नहीं करते। लेकिन बहुत अल्प जीव संसार में ऐसे हैं जो समाधान के मार्ग पर चलते हैं, समाधान के रास्ते पर चलते हैं, समाधान का मार्ग वो श्रेयस्कर समझते हैं। लेकिन प्रायः प्रायः जीव संसार में ऐसे हैं जो समाधान प्रेमी नहीं है, लेकिन कौन से प्रेमी है, कौन से प्रेमी है, समस्या प्रेमी। उनका इंटरेस्ट समस्या में जाता है, समस्या के ऊपर उनका दृष्टिपात होता है। इसलिए उत्तराध्यान सूत्र में परमात्मा ने तीन मापदंड बताए कि हम अपने आप को कैसे जाने कि हम समस्या प्रेमी हैं या हम समाधान प्रेमी। हमें अपने आप को जानना तो होगा, अपने आप को पहचानना तो होगा, अपने आप को देखना तो होगा, तभी जाके हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम समस्या प्रेमी या हम समाधान प्रेमी। क्योंकि प्रायः प्रायः लोग संसार में समस्या प्रेमी। परमात्मा ने तीन मापदंड दिए, तीन थर्मोमीटर बताए कि देख लीजिएगा, अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए। आपकी दृष्टि यदि यहां पर जाती है तो आप समस्या प्रेमी हो, आपकी दृष्टि यहां पर जाती है तो आप समाधान प्रेमी हो। इसलिए कहा परमात्मा ने, समझ लीजिएगा, सबसे पहले नंबर पे जो रुकावट की ओर देखता है वो समस्या प्रेमी है, और जो रास्ते की ओर देखता है वो समाधान प्रेमी। कहा हमारा इंटरेस्ट कहां, रुकावट में या रास्ते, हम कहां देखते, हम कहां दृष्टिपात करते, हमारी नजर कहां दौड़ती, हमारी नजर कहां जाती है। कहा संसार में करीबन करीबन लोग रुकावट के ऊपर ज्यादा दृष्टिपात करते, रास्ते के ऊपर कम देखते। समझिएगा, हमेशा जीवन में याद रखिएगा, रास्ता हमेशा बड़ा होता है, रुकावटें हमेशा छोटी होती है, कि रास्ते से बड़ी होती है, छोटी होती है, रुकावटें बहुत छोटी है। लेकिन यदि हमारी दृष्टि रुकावट के ऊपर आ जाती है, यदि हमारी दृष्टि समस्याओं के ऊपर है, तो वही समस्या में बहुत बड़ी लगती है। और यदि दृष्टि समाधान के ऊपर है, दृष्टि रास्ते के ऊपर है, तो वही रुकावट हमारे लिए माइनर हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी, न के बराबर हो जाएगी। अब हमें सोचना है, जीवन में हमारे यहाँ लिखा गया कि समझिएगा, आप उतने ही दुखी होंगे जितना आप उसको स्वीकार करोगे। संसार में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। संसार में हमारी जैन फिलोसॉफी ये मानती ही नहीं है कि कोई किसी को सुखी कर दे, कोई किसी को दुखी कर दे। परमात्मा ये कहते हैं, आप उतने दुखी होगे जितना आपने लिया, जितना आपने ग्रहण किया, जितना आपने स्वीकारा, जितनी समस्याओं के ऊपर आपने दृष्टिपात किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जीवन में यदि समाधान के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो हजारों समाधान हमारे सामने खुल जाएंगे, और यदि समस्या के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो हजारों समस्याएं हमारे सामने खुल जाएंगे। का पहला मापदंड, पहला थर्मोमीटर, आपका इंटरेस्ट रुकावट पे है, आपकी दृष्टि रुकावट पे है, या आपकी दृष्टि रास्ते पे है। हम जब विहार शुरू करते हैं चतुर्मास के पश्चात, तब यह होता है कि इस साल 2000 किलोमीटर चलना है, 2500 किलोमीटर चलना है। यदि हम ये सोच के चले तो हम शायद चल ही नहीं पाए। हम तो इतना सोचते कि आज 15 चलना है ना, आज का चल लेंगे, कल का कल देखेंगे, तभी तो जीवन चलता है। हम रास्ते को देखें, हम रुकावट को क्यों देखें। हम आज के ऊपर फोकस करके, आज के ऊपर दृष्टिपात करें। आज 20 किलोमीटर चलना है, उतना चलने का सामर्थ्य तो हमारे पास है। 2000 चलने का मुझे कोई कहे तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मुझे ये कोई कह दे कि तुझे आज 20 किलोमीटर चलना है, मैं कहूंगा उतना तो सामर्थ्य है, उतना चल ले। अब रोज 20-20 चलते जाओ, 2-4-6 महीने में 2000 खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, रास्ते पर यदि आप समस्या के बारे में सोचोगे तो 1000 समस्या आपके सामने आ जाएगी, और समाधान के बारे में सोचोगे तो 1000 समाधान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जीवन में अपने आप को चेक कर लीजिएगा, हम समस्या प्रेमी या हम समाधान प्रेमी, क्या है हम। पहला थर्मोमीटर, हमारी दृष्टि रुकावट के ऊपर या हमारी दृष्टि रास्ते के ऊपर। दूसरा थर्मोमीटर, हमारी दृष्टि गलती के ऊपर या हमारी दृष्टि गीत के ऊपर। हम संसार में गलती निकालने बैठे,
जिसकी दृष्टि गलती पर होती है वो आदमी को खोजते रह जाएगा, ये कहां गलती करे, कहां से इसको पकड़ ले, कहां से इससे कुछ गलत हो जाए, कहां से इसको हम पकड़ में ले ले। ये जो समस्या प्रेमी लोग हैं संसार में, वो हमेशा गलतियों को ढूंढते रहते हैं। मंदिर में भी चले जाओ तो चार लोग आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो भले गलत करते हो, उनका उन्होंने जीवन में ना देखा, लेकिन दूसरे का पहले देखते हैं। समस्या प्रेमी, वो समस्या खड़ी करनी उनको और कुछ नहीं। समाज में चले जाए, सगे में चले जाए, जहां जाए वहां गलती निकालने का काम, हर चीज अच्छी हो रही हो लेकिन उनकी दृष्टि तो गलती के ऊपर ही होगी, गीत के ऊपर नहीं होगी। अरे गीत बड़ा है, गलती छोटी है, गलती को माइनर करो, गलती को साइड में करो, गीत का आनंद लो। जीवन में जो गीत गाएगा गलती तो होगी, बिना गलती कोई कैसे तैयार हो सकता है जीवन, बिना गलती कोई जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। गलती तो होगी लेकिन हमारा दृष्टिपात कहां पर है, हमारी दृष्टि कहां पे है। इसलिए दूसरा थर्मोमीटर हमें अपने आप को चेक करने के लिए कि हमारी दृष्टि गलती पर ज्यादा या गीत पर ज्यादा, जीवन आनंद लेने के लिए, दुखी होने के लिए। और जिसका इंटरेस्ट, जिसका दृष्टिपात समस्या की ओर चला जाता है वो जीवन भर दुखी रहता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन बेकार सा मालूम होता है, जीवन निरर्थक प्रतीत होता है, जीवन में उदासीनता भर जाती है, जीवन में लगता है कि अब जीवन जीवन जीने का कोई मजा ही नहीं रहा, कोई आनंद ही नहीं रहा। अरे हमारे परमात्मा ने तो यह कहा कि मृत्यु के समय तक जीवन को आनंदित रहो। हम उदास होने के लिए मनुष्य जन्म में नहीं आए, हम निरर्थक समझने के लिए मनुष्य जन्म में नहीं आए, हम जीवन को बेकार करने के लिए यहां पर नहीं आए, हम तो आए हैं आनंद की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए परमात्मा ने कहा कि समझिएगा, यदि गलती के ऊपर दृष्टि करने की हमारी आदत बन गई तो कहीं ना कहीं हम दुखी रहेंगे, आनंद नहीं मिल पाए, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि गीतों के ऊपर होनी चाहिए। यदि गीत के ऊपर दृष्टिपात करे, जीवन का आनंद ले और हर एक क्षण से, हर एक समय से, हर एक मिनट से आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि आनंद लेना हमारे हाथ में है, दुखी होना हमारे हाथ में है। यदि हम समाधान के मार्ग पर चलते हैं तो हम जीवन की हर एक क्षण से आनंद ले पाते हैं, और समस्या के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की हर एक क्षण हमें दुखी करके जाती है। किसी ने कुछ कह दिया हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई, किसी ने हमारे से बात नहीं करी हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई, किसी ने हमारे बारे में निंदा कर ली हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। समाधान के मार्ग पर चले, समस्याओं में ना उलझे, क्योंकि समस्याओं में हमारा समय बर्बाद होता है, हमारी शक्ति खर्च होती है, हमारी ऊर्जा खर्च होती है, और अंततः प्राप्त क्या होता है, प्राप्त कुछ नहीं होता। जब समाधान का मार्ग स्वीकारेंगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पुरानी बातों को भूलिए, समस्याओं को भूलिए, समस्याओं को छोड़ करके समाधान के मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझिएगा, पहला थर्मोमीटर आपकी दृष्टि रुकावट के ऊपर या आपकी दृष्टि रास्ते के ऊपर, दूसरा थर्मोमीटर आपकी दृष्टि गलती के ऊपर या आपकी दृष्टि गीत के ऊपर, और तीसरा थर्मोमीटर आपकी दृष्टि पीड़ा के ऊपर या आपकी दृष्टि प्राप्ति के ऊपर। जब हम जीवन में पहली बार लोच करवाने बैठ रहे थे तो बड़ा टेंशन था, कैसे होगा, किस तरह से होगा, छोटी उम्र, इतनी समझ नहीं, इतना पता ना चले। और उस समय गुरुदेव प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब ने हमें ये जीवन का संदेश, अनमोल संदेश दिया कि समझिएगा, आप पीड़ा पर मत दृष्टिपात करिए, आप तो प्राप्ति को देखिए। एक घंटे के लोच में कितनी पीड़ा होगी ये देखोगे तो जीवन भर लोच नहीं कर पाओगे, लेकिन एक घंटे के लोच से क्या प्राप्त होगा ये समझ जाओगे तो हर 6 महीने हर साल लोच करवाने का मन होता रहेगा। पीड़ा को मत देखिए, मैंने पहले ही कहा था, परमात्मा के साथ जुड़ने में पीड़ा है, गुरु के साथ जुड़ने में पीड़ा है, पीड़ा जीवन में आएगी, लेकिन हमारी दृष्टि यदि पीड़ा के ऊपर है तो हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं तो आपको यहां तक कह देता हूं, समझ लीजिएगा, संसार में बिना पीड़ा के मात्र तुच्छ चीजें प्राप्त होती है, अनमोल चीजें पीड़ा से ही प्राप्त होती है। संसार में जो सामान्य चीजें है वो बिना पीड़ा के आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन जो विशेष चीजें हैं, जो विराट चीजें हैं, जो बड़ी चीजें हैं, जो अनमोल चीजें हैं, वो जीवन में बिना पीड़ा के प्राप्त नहीं होगी। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, पीड़ा तो आएगी जीवन में,
कोई उपवास करता है, कोई अम्बिल करता है तो परेशानी तो होती है। उसने अपने मन को संभाल लिया, उसको परेशानी नहीं लगती। लेकिन यदि हम हमारी दृष्टि से देखें तो मासक श्रमण करने वाले को कितनी परेशानी होती, 50 उपवास करने वाले को कितनी परेशानी, अरे एक अम्बिल करने वाले को भी कितनी परेशानी होती है। लेकिन वो पीड़ा के ऊपर उनका ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान ये है कि अम्बिल करने से, तप त्याग करने से, कुछ छोड़ने से यदि मुझे अच्छा प्राप्त होता हो तो मैं पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूँ, पीड़ा लेने के लिए तैयार हूँ। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीवन में अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि हम समाधान प्रेमी या हम समस्या प्रेमी। कहाँ जाता है हमारा समाधान की ओर भागता है या समस्या की ओर भागता है। और जीवन में आनंदित रूप से जीवन जीना हो तो जीवन को समस्या प्रेमी नहीं लेकिन समाधान प्रेमी बनाना पड़ेगा, समाधान का मार्ग स्वीकारना पड़ेगा। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने भी अनेकांतवाद बताया, अनेकांतवाद का सृजन किया, अनेकांतवाद की बातें करी, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि एकांतवाद में तो समस्या होगी। मैं कहूंगा आप बुरे हो तो समस्या खड़ी होगी, लेकिन मैं ये कहूंगा आप में थोड़ी बुराई है तो ज्यादा अच्छाई भी है, कोई समस्या खड़ी नहीं। परमात्मा ने इसीलिए एकांतवाद का खंडन किया। परमात्मा ने कहा कि हर आदमी में देव भी है, दानव भी है, हर आदमी में सुर भी है, असुर भी है, हर आदमी में अच्छाई है, बुराई भी है, हर आदमी में गलत भी है, अच्छा भी है, सही भी है, हर चीज हर में मौजूद है। इसलिए न हम किसी को बुरा कह सकते। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि दुर्जन भी बुरा नहीं है, उसके भीतर भी कुछ अच्छाई होगी, उसके भीतर भी कुछ अच्छा होगा। इसलिए परमात्मा ने एकांतवाद का खंडन किया, अनेकांतवाद का प्ररूपण किया। परमात्मा ने कहा कि हम किसी को जज नहीं कर सकते संसार में, हम किसी के लिए जज नहीं बन सकते, हमें तो अपने आप का जज बनना है। इसलिए जीवन में ये कोशिश कीजिए कि हमारी दृष्टि समस्याओं के ऊपर ना हो, हमारी मेंटालिटी समस्या प्रेमी ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि समाधान के ऊपर हो और हमारी मेंटालिटी समाधान के रास्ते पर। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।